किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए सरकार की मदद मिल रही है। जिले के किसानों के उत्साह से मिर्जापुर को केला हब घोषित किया गया। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने जनपद को केला हब घोषित किया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रैगन फ्रूट और एलोवेरा का पौधा वितरित किया गया। महिलाओं ने भी परिवार की खुशहाली के लिए आधुनिक खेती को आवश्यक बताया। सिटी विकास खंड के पिपराडाड़ में आयोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही ड्रैगन फ्रूट, केला और सब्जियों की खेती करने की सलाह दी गई। जिले में अभी 500 बीघा में केला की खेती की जा रही है, जिसे इस वर्ष 2000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले को केला हब बनने के बाद बड़े पैमाने पर खेती होगी तो इसका फायदा किसानों को मिलेगा। देखिए, उद्यान विभाग के तरफ से किसानों को मजबूत करने के लिए, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और किसान की आय दुगुनी करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए और किसानों को उन्नत खेती करने की मंशा के अनुरूप और किसान का मुख्यतः जागरूक कि किसान जागरूक कैसे हो, किसान उन्नत खेती कैसे करे, उसके बारे में यह पूरा प्रोग्राम था, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो कृषि करती हैं उनके बीच में ये उद्यान विभाग ने कार्यक्रम। हाँ, मैं मेवाराम, जिला उद्यान अधिकारी मिर्जापुर। और आज ये जो गोष्ठी का आयोजन हुआ है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत समूह की महिलाएं को हम लोग एलोवेरा और ड्रैगन फ्रूट की खेती का प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया और यहाँ पे उन महिलाओं को हम लोगों ने पौधे भी वितरण किया कि वो पौधा ले जाएं और अपने लगाएं। हर महिला को ड्रैगन फ्रूट पौधे, एलोवेरा के पौध और इसी तरह से उनको हम लोगों ने पिलर भी स्वरूप में दिया है कि लगाएं और अपना आजीविका का साधन इससे क्रिएट करें, बढ़ाएं और आगे बढ़ें। उजला आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोगों को आज ड्रैगन के खेती था, एलोवेरा के खेती के बारे में प्रशिक्षण एक दिवसीय था, इसमें हम लोग आए हुए हैं। हम लोग किसान महिला हैं, हम लोग को किसान करते हैं, किसान करने के बारे में हम लोग के यहाँ बताया गया। जैसे हम लोग पारंपरिक विधि खेती कर रहे हैं, इस समय हम लोगों को बताया गया है कि जैसे हम लोग एलोवेरा का या ड्रैगन का खेती हम लोग करेंगे जिससे हमारी आय दोगुनी हो सकती है और हम लोग कृषि के कार्य में आगे बढ़ जाएंगे। और हम गाँव की महिलाएँ हैं जो कि हम लोग को जानकारी नहीं मिलती थी। मैं धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री योगी जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को कि इस तरह की योजनाएं अगर लाते रहेंगे तो हम गांव की महिलाओं को अच्छे ढंग से लाभ मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फ्रूट और सब्जी की खेती करके मिलने वाले फायदे की जानकारी किसानों के साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई। खेती करने के आधुनिक तरीके का ज्ञान मिलने के बाद महिलाओं में ज्यादा उत्साह है। उन्होंने सरकार की योजनाओं को सराहा। इनमें से न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।